लौकी ले, टमाटर ले, बैंगन ले। छोटू आलू किस बात दिए? सब 15 रुपया किलो। बहुत महंगे दिए। बिल्कुल सब्जी नहीं बिकी है साहब, आप मेरी सब्जी ले लो। अच्छा, तेरी सब्जी ले लें? तुझे पता है हम कितनी जल्दी में जा रहे थे? तूने हमें रोक कर बहुत गलत किया। अभी देखते हैं कैसी सब्जी है तेरी। तेरा टमाटर तो बिल्कुल बेकार है। चल और कुछ देखते हैं। ले बिल्ला, देख इसे कैसा है। अभी देखता हूँ। भाई ये तो बिल्कुल बेकार है। अच्छा बेकार निकला। ये केले और चेक करके देखो। तो भाई ये भी बेकार है। हाँ भाई तेरी सारी सब्जी खराब है और हमसे कहता है सब्जी ले लो। बिल्ला निकलते हैं। चलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सब्जी खिलाने की? भाईजान इस बच्चे की इतनी हिम्मत कि इसने आपको धक्का मारा? आओ अभी दिखाते हैं इसे कि हमसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। पलट दो इसका ठेला वेला, फिर देखते हैं ये क्या बेचता है। आओ निकलते हैं। मेरी सारी सब्जी गिरा दी। अरे छोटू हाँ। इतनी सब्जी कैसे गिर गई नीचे? सब कुछ गुंडे आए और मेरी सारी सब्जी नीचे गिरा गई। चल तेरी सब्जी मैं ठेले पर रखवाता हूँ अभी। चल हम दोनों लोग करते हैं। एक बात बता छोटे, तेरी उम्र तो अभी पढ़ाई करने की है और तू सब्जी बेच रहा है, ऐसा काम क्यों करता है तू? स्कूल नहीं जाता है क्या? साहब मैं अपने घर में अकेला ही हूँ साहब, मैं सब्जी इसीलिए बेचता हूँ। यार भगवान भी ऐसे बच्चों के साथ पता नहीं क्या क्या करता है, बेचारा इतनी कम उम्र में सब्जी का काम कर रहा है। अच्छा छोटू एक बात बता, फिर तेरे घर में तेरा खाना कौन बनाता है? मैं खुद ही बना लेता हूँ। छोटू मुझे लगता है कि तू अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करता है और मैं चाहता हूँ कि तू अपनी ज़िंदगी में पढ़ लिख कर कुछ करे जिससे कि तेरा भविष्य उज्जवल हो। और अब से तू मेरे साथ रहेगा मेरे घर पर, चला मेरे साथ। बहुत अच्छा काम करेगा तू आगे चलकर। आजा देख, अब तेरा एडमिशन मैंने इस स्कूल में करा दिया ठीक है, और तुझे सही से पढ़ाई करनी है और जो भी समस्या होगी मुझे बताना तू ठीक है। अब कल से स्कूल आ जाना। चल अब हम लोग घर चलते हैं। आ जा छोटू तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए अभी चॉकलेट दिलाता हूँ ठीक है। भैया एक चॉकलेट दियो। ले छोटू। भैया वो देखो ये वही लोग हैं, इनने मेरा ठेला पलटा था। अच्छा चल ठीक है तू यहीं रुक, मैं इन लोगों से बात करके आता हूँ ठीक है। हाँ भाई कौन हो तुम लोग और कैसी दादागिरी दिखाते हो तुम लोग यहाँ पर? पहले तू बता तू कौन है, क्यों मरने चला आया यहाँ? उस छोटे लड़के को देख रहे हो तुम लोग जिसका तुम लोगों ने ठेला पलटा था? अरे हाँ कर्म भाई, ये तो वही लड़का है जिसका हमने सब्जी का ठेला पलटा था। सही कहा तूने, लेकिन तू यहाँ क्या करने आया है? ना जाने हम हर रोज कितनों का ठेला पलटते हैं। और अच्छा होगा तू यहाँ से चला जा अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो। आओ हम लोग निकलते हैं।
अगर आज के बाद किसी का भी ठेला पलटा ना तो इससे भी बुरी हालत करूंगा मैं तुम्हारी। और इस एरिया में अपना आतंक दिखा मत देना। और आज तो मैंने तुम्हें धोया है और आगे से अपने हाथ पैरों पर चलने के लायक नहीं रहोगे तुम लोग, इसलिए सुधर जाओ। ये मेरी तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। चलता हूँ। चल छोटू, अब से मैंने उन लोगों को समझा दिया, आगे से ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे। आ हम लोग निकलते हैं। कर्मा, किसने की तुम्हारी हालत और तुम्हारे सर पर ये चोट कैसी? किसने की तुम्हारा हाल? वो भाई, एक लड़के ने। क्या कहा? एक लड़के ने तुम चारों को धोया और वो भी इतनी बुरी तरह से? क्या बोल रहा कर्मा तू? शायद उसे पता नहीं है कि इस शहर में धर्मा भाई का राज चलता है और उसे मेरे आदमियों को पीटने की सजा बहुत महंगी पड़ेगी। समझा? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई, वो बहुत पावरफुल है, आप और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या कहा कर्मा? हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? वो अगर पावरफुल है तो हम भी सुपर पावरफुल हैं। समझा? मैं उसे हर हालत में पकड़ कर रहूंगा। और सुन, तू उसकी कमजोरी देख, मुझे हर हालत में चाहिए। जाओ ढूंढो उसे और जहां भी मिले पकड़ कर लाओ और शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। जाओ, अब उसे पता चलेगा कि धर्मा भाई से टकराने का अंजाम क्या होता है। सॉरी। आ गया? मैं यार थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मुझे कुछ काम था। सॉरी। हाँ, चला घर चलते हैं। अभी स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है क्या? हाँ, अभी हुई नहीं है। अरे तुम तो भाई हो ना जो मैं कल आपसे टकरा गया था। हाँ। सॉरी उसके लिए। कोई बात नहीं। अच्छा वैसे आप यहाँ पर किसको स्कूल छोड़ने के लिए आते हो? अपने छोटे भाई के लिए। अच्छा, आप भी किसी को लेने आए हो क्या? हाँ, मेरा छोटा भाई ही समझो उसके लिए। समझो मतलब? हाँ, एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ समय पहले और अब से तू मेरे साथ रहेगा, मेरे घर पर। चला मेरे साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने उसके लिए इतना कुछ किया। आजकल लोग कहाँ करते हैं किसी के लिए इतना कुछ। मैं आपकी बातों से बहुत इंप्रेस हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल। मेरा नाम काजल शर्मा। मायसेल्फ रोहतास। मेरा भाई आ गया, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, चलते हैं। भाई, वो रहा वो लड़का जिसने हमें पीटा, किसी लड़की से गले मिल रहा है। आज हमारे पास मौका है, चलो पकड़ लेते हैं उसे। अबे मरवाएगा क्या? तुझे पता है पिछली बार कितना धोया था हमें? अगर आज इससे कुछ कहा तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चलो चलकर भाई को बताते हैं। सही कहा, चलो चलते हैं। भाई, आज हमने उस लड़के को देखा, वो किसी लड़की से गले मिल रहा था। शायद मुझे लगता है वो उस लड़के की GF थी। हाँ भाई, हम सच कह रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर वो लड़की उसकी GF थी तो वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और अगर वो लड़की हमारे हाथ लग जाए तो वो खुद ब खुद हमारे पास चल कर आएगा। अब जाओ उस लड़की को ढूंढो। ठीक है भाई, अभी ढूंढते हैं। अबे चल ना। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा। धर्मा भाई, ये रही वो लड़की जिसका हमें पूरे 15 सालों से इंतजार था। शाबाश मेरे शेरो, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। 15 साल बीते तो क्या हुआ, ये लड़की हमारे पास आ तो गई। अब हम इस लड़की की मदद से उस लड़के को भी यहाँ बुला कर रहे हैं। कर्मा, लगा इसके आशिक को फोन और दे वार्निंग। लो भाई।
हेलो सुन बे, ना ही तू मुझे जानता है और ना ही मैं तुझे। अगर अपनी महबूबा को जिंदा देखना चाहता है तो चुपचाप मेरे अड्डे पर आ जा, मैं तेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, समझा? 20 मिनट हैं तेरे पास। क्या बोला भाई उसने? धर्मा बुलाए और वो नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाला होगा, बस तुम लोग तैयार रहो उसे मारने के लिए, ठीक है? ठीक है भाई, आज हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसने भी हमें बहुत धोया था। सुन धर्मा, ना ही तो मैंने तुझे देखा है और ना ही तूने मुझे देखा है, इसलिए मेरी तुझे फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है कि तूने इस लड़की को पकड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। चल जाने दे हमें। आओ। सुन बे हीरो, तू क्या समझ रहा था धर्मा भाई के चंगुल से निकलना इतना आसान है जितना तू समझ रहा था? चला बे, बांध दो इन दोनों को। देखता हूँ कौन बचाने आता है तुम दोनों को, और दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो धर्मा भाई से टकरा सके, समझा? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने धर्मा भाई से पंगा लेकर, और उससे भी बड़ी गलती तूने ये कर दी कि मेरे इन भाइयों को पटक पटक कर मारा था, समझा तू? क्या हुआ अभी सर, आज हमारे अड्डे पर कैसे? क्या हमारे लोगों ने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं दिया? जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा पहुंच जाएगा। कर्मा रुक जा। सही किया धर्मा तूने जो इन लोगों को रोक दिया, वरना मैं इन्हें अभी धो धो कर मारता। चल अब एक काम और कर, ये रस्सी अपने हाथों से खोल दे। हाँ भाई इंस्पेक्टर, कितने पैसे देता है तुझे ये? मैं इसके डबल दूंगा। सुंदरमा, ये कोई रिश्वतखोर आईपीएस ऑफिसर नहीं, बल्कि मेरा छोटा भाई आकाश है, जिसका तेरे आदमियों ने छोटी सी उम्र में ठेला पलटा था सब्जियों का, और आज ये आईपीएस ऑफिसर बनकर तेरे सामने खड़ा है। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? ये वही सब्जी वाला है जिसका हमने ठेला पलटा था, लेकिन ये आईपीएस ऑफिसर कैसे बन गया? हाँ सही पहचाना तूने इसे, क्योंकि मैंने इसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया, और आज ये तुम्हारे सामने एक आईपीएस ऑफिसर की तरह खड़ा है। इसलिए सुंदरमा, आज के बाद हम लोगों से पंगा मत ले लेना, और मैं कहता हूँ इस धंधे को छोड़ दे तू। आओ निकलते हैं। सुंदरमा, इस शहर में अब मेरा कानून चलेगा, और बंद कर दे ये अड्डा, ठीक है? सो हेलो गाइस, कैसी लगी आप सभी के लिए ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना है, और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके वीडियो को जल्दी से हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ गाइस, और जो लोग नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिसने भी मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो यार, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आपको मेरा यूजर नेम दिखाई दे रहा है, rohitasrana21, तो जिसने भी फॉलो नहीं किया जल्दी से जाकर फॉलो करो। और गाइस, इस समय लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश के अंदर, और कोरोना बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे देश में फैल रहा है, तो अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और इसीलिए हम लोग भी अपने गाँव के आसपास में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी इस समय बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो गाइस, इसी तरीके से अपना प्यार इस वीडियो पर सभी वीडियो पर बनाए रखना, और बहुत ही जल्द धमाकेदार वीडियो आते रहेंगे जैसे ही कोरोना का असर कम होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।